ये क्या हो गया रिवर? नहीं, ये क्या हो गया? क्लियर? अच्छा, इसका विड्थ मान लो दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द रिवर कितना ले लेते हैं? मान लो 40 मीटर ले लेते हैं, कितना ले ले? क्लियर? अच्छा, रिवर भी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से। हम लोग जितना देखो, एक एक दो क्वेश्चन खाली वेरिएबल स्पीड का किए हैं, बाकी सारा कांस्टेंट का, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड से कौन मूव कर रहा है? रिवर। और रिवर का स्पीड मान लो 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब एक डॉट मान लो यहाँ ले लिए, ये कहाँ पर है? बैंक पे। और एक डॉट, ये तो ठीक डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा, तो इसको मान लो हम एम ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं बी। ए एम ए, ये जस्ट नियरेस्ट टू द बैंक है, मतलब सारा जमीन पे है, ठीक है। और एम से लेके बी के बीच का जो दूरी है तुम्हारा, मान लो 30 मीटर, बोल के लिए। अरे यार, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, अगर वो डायरेक्ट पहुंचना चाहता है ए से बी पे, तो बन जाएगा। तो इसके लिए किधर है? उधर ही जाएगा क्या? क्वेश्चन जम रहा क्या? अगर डायरेक्ट वो जाना चाहता है ए से बी तक, तो किधर जाएगा? ए बी ए में जाएगा तो पहुंच पाएगा, बी के राइट चला जाएगा, इधर जाएगा तो और उधर चला जाएगा, क्योंकि रिवर उसको, तो वो इधर से जाएगा, तो डायरेक्ट ए टू बी जाने का निकल जाएगा। बट हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, कि ए से बी जाना नहीं है वर्क, जाना तो है ही है, लेकिन क्या मिनिमम स्पीड से जा सकता है? जाने के लिए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल जाएगा, नहीं, या सेवरल किलोमीटर पर आवर से भी जा सकता है, या सेवरल किलोमीटर पर सेकेंड से भी जा सकता है, नहीं, जाने का तो कोई लिमिटेशन ही ना है, जैसा रफ्तार लेगा वैसा। तो हम क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं, कि मिनिमम स्पीड, उससे अगर कम स्पीड से ट्राई करेगा तो जा नहीं पाएगा। तो मिनिमम स्पीड से कितना से वो जाएगा, ताकि वो बी के पास भी पहुंचे और उसको एनर्जी भी ज़्यादा ना देना पड़े, नहीं चमका? कम से कम काइनेटिक एनर्जी लेके, अपने बॉडी का कम से कम काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करके, मेंटेन करके वो ए से बी जाना है। तो क्या स्पीड होगा और क्या डायरेक्शन होगा? क्योंकि जैसा वेलोसिटी रहेगा वैसा ही एंगल बनेगा, बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस करने से अगर 80 मीटर पर सेकेंड तो 80 के हिसाब से बैलेंस होगा, 90 मीटर पर सेकेंड तो 90 के हिसाब से बैलेंस होगा, 100 मीटर पर सेकेंड तो 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बैलेंस होगा, टू गो इन अ मोशन इन अ डिजायर डायरेक्शन, नहीं चमका? बट हमको क्या लेना है? मिनिमम। बोल चमका क्वेश्चन? तो लिखो, लिखो, व्हाट मिनिमम स्पीड, व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू द वॉटर शुड द मैन हैव, शुड द मैन हैव सो दैट ही कैन रीच द पॉइंट बी डायरेक्टली बाय स्विमिंग। So that he can reach the point B directly by swimming. In which direction should he swim? In which direction should he swim? किस direction में वे swim करेगा, ये भी बता दो। Clear? अब देख, सुनो, minimum speed को maintain करके जाना, maximum तो कुछ भी हो सकता है, maximum का कोई limitation नहीं है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 velocity of light, कुछ भी ले लो, ठीक। तो minimum speed लेके जाना है, तो रिलेटिव टू वाटर लेना है ना, तो तुम चाहो तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे लिखते हैं, बट स्विमर वगैरह आ जाएगा। तो मान लो वो वेलोसिटी हम वी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? वी, हमको मालूम नहीं है। अच्छा, ये देख कितना है, 40, ये कितना है 30, तो क्या ये एंगल लेंगे? तो 40/30 टैन थीटा, अगर मान लो ये थीटा ले लेते हैं, तो टैन थीटा बराबर क्या हो, ये अल्फा ले लेते हैं, तो टैन अल्फा बराबर 40/30, तो व्हाट इज दिस एंगल? 53। और ये 50, और ये पैरेलल, और ये भी ट्रांसवर्सल का रोल करेगा, तो ये बोल कितना होगा? बोल क्लियर है? अब मान लो वी वेलोसिटी लिए हैं और ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं, लेट दिस एंगल भी थीटा। अब जैसा वी होगा वैसा ही थीटा होगा, नहीं चमका? क्या होगा? अब वी का अब देखो, हमारा कैसे कॉन्सेप्ट बताए थे, कि जिधर जाना उधर क्या माने, जिधर जाना उधर एक्स, ये कौन सा टॉपिक है? मोशन इन ए डिजायर डायरेक्शन प्लस कैलकुलस, नहीं, मोशन इन ए डिजायर डायरेक्शन प्लस कैलकुलस। तो इसको एक्स मान लेते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा? वाई, नहीं। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ लेते हैं? जमीन पे। क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव करता है क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव नहीं करता, वो फिक्स्ड होता है, उसी फ्रेम से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? तो एक्स ले लिए, वाई ले लिए, अभी का कॉम्पोनेंट देखो क्या क्या होगा। तो इधर तो तेरा रिवर है, अरे यार
जिसका वेलोसिटी क्या है, वी आर का वैल्यू कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया? इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बोल, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी आर बोलते जाओ कॉस 53। नहीं आया? और इधर का वेलोसिटी वी आर साइन, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात? अब देख इसका ये वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी का, तो वी का इधर वाला कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा, और इधर वाला क्या होगा, वी साइन थीटा। बोल क्लियर? तो बोल क्या लिखेगा, हाँ बोलो, कहाँ पर, ये वाला, हाँ माइनस लिख सकते हैं, तो हमको वेलोसिटी को बैलेंस करना होगा ना, तो वेलोसिटी बैलेंस करेगा तो क्या लिखेगा बोलो, व्हाट वी विल राइट, बोलो, हाँ क्या लिखेगा, वी साइन थीटा बराबर वी आर साइन थीटा, वी आर का वैल्यू कितना है, तो तुम्हारा क्या लिखेगा, वी आर साइन 53 डिग्री इक्वल टू व्हाट, वी साइन थीटा, ठीक है। तो वी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, वी आर का वैल्यू कितना है 4, और साइन 53 क्या होगा, साइन 53 4/5 ऐसे ना, इक्वल टू वी इंटू साइन थीटा। तो देखो वी का वैल्यू कितना आ गया, तो वी का वैल्यू 4 4 16 16 कितना आ जाएगा, देख 16/5 साइन थीटा। देखो अब तो वी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ रहा है ना, वी एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ रहा है, थीटा। अब भी का कौन सा, थीटा का कौन सा वैल्यू लेगा ताकि भी क्या हो जाए मिनिमम, तो थीटा का वैल्यू अगर 0 लेगा तो क्या होगा बोल, थीटा का वैल्यू 0 लेगा तो वी इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 का मतलब क्या होता है, कि ये थीटा बराबर 0 का मतलब अलोंग ए बी डायरेक्ट जाना, अरे यार, और जैसे ही अलोंग ए बी जाएगा तो चल रिवर धकेल देगा, तो बी के पास तो कब पहुँचो नहीं करेगा, इसलिए इनफाइनाइट लग रहा है। नहीं, और थीटा अगर क्या पुट करेंगे, 90 क्या पुट करेंगे, तो साइन 90 कितना, 1, तो 90 का मतलब क्या होता है, हाँ y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे जाएंगे तो क्या होगा, तो v का वैल्यू क्या होगा, 16/5। तो देखो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे 16/5 आ रहा है ना, तो थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, नहीं तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री किसके साथ आ रहा है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, थीटा किसके साथ लिए, ए बी के साथ ना, तो इफ यू पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 16, कितना 16/5 ऐसे ना, तो वी मिनिमम कितना होगा, 16/5 बोले तो 3.2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ना, देख लो, तो 90 डिग्री, तो फिर रिवर के साथ क्या होगा, या बैंक के साथ कितना बनाएगा, तो ये 90 + 53 कितना होता है, 143, तो विथ रिवर बैंक कितना हो जाएगा, विथ रिवर बैंक कितना बोलो, 143 कैसे है, 90 + थीटा ना, सॉरी 90 + थीटा का बोलो 90 ना, तो ये 90 + कितना बोला, 53, तो कितना आएगा, 143, तो 143 विल बी द आंसर। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, तुम चाहो तो देखो थीटा का वैल्यू 90 है, 90 किसके साथ आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम और मिनिमम दोनों हम लोग डील कर लिए, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे ही बना सकता था, अगर बोलेगा कि क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा तो भी हम लोग बना सकते थे, क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, ये करने, तो ये सबसे आसान है। तो मिनिमम स्पीड कितना आया, 3 पॉइंट, इससे और कम स्पीड से हम जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे, क्यों, देखो अगर इससे कम स्पीड लेगा ना तो ये वाला वेक्टर हमेशा बड़ा रहेगा, ये वेक्टर जहाँ बड़ा रहेगा तो फिर डोमिनेट करेगा, तो कभी पॉइंट, तो कम से कम वैल्यू इसका क्या होना चाहिए, 3.2, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी स्पीड जा सकता है, अगर 3.2 के जगह हम कुछ और प्रीफर, तो ये थीटा वही रहेगा कि अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज, तो कुछ और आंसर आ जाएगा, कहाँ दिक्कत, ठीक है। तो वट इज, तो क्या क्या पूछा है, पहला पूछा क्या कि वॉट मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड कितना आया, 3.2, एंड वट इज द एंगल, तो एंगल अगर कहेंगे तो ए बी के साथ कितना आ गया, 90, और रिवर के साथ कितना, बैंक के साथ कितना आ गया, तो 90 + 53 143।
बोलो कोई कष्ट वाली बात। तो ये मिनिमम स्पीड पे आया, इतना मिनिमम स्पीड होगा, ये अलग जाति का सवाल था। ठीक, लिखो फटाक से। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तुम्हारा क्या है, रिवर है, ठीक है, और रिवर में क्या जा रहा है, ऐसे वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लो दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया हुआ है, तो मान लो कुछ ले लेते हैं, चलो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसमें जो बोटमैन है या स्विमर ले लेते, बोटमैन स्विमर सब एक ही चीज है, तो बोटमैन जो है, बोटमैन का वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, है ना, तो 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके अलावा देखो ये, इसको मतलब ना सुनो, ये विड्थ ऑफ द रिवर जो है, विड्थ ऑफ द रिवर मान लो दिया हुआ 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर का क्या है, रिवर की चौड़ाई है, बोटमैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया हुआ, 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये शोर लाइन पे पैदल भी चल सकता है, तो इसका वॉकिंग स्पीड दिया हुआ है, वॉकिंग स्पीड है इसका 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो शोर पर मूव करेगा ना, नदी में नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा, शोर पे, नदी के किनारे किनारे चलेगा या जमीन पे चलेगा, तो कितना से चल सकता है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये चाहता है कि ए से कहाँ जाए, बी, ठीक है, किसी जगह पर जाए, और मिनिमम टाइम में जाना चाहता है, ठीक है, क्या चाहता है कि मिनिमम टाइम में, और ये 1/2 किलोमीटर है, तो मिनिमम टाइम में ये जाना चाहता है। देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसे ऐसे करके सारा दिया हुआ है। देखो एक डॉट ले लेते हैं कहां पर, ए, और दूसरा डॉट कहां है, ए और बी कहां पर है, रिवर के अंदर है क्या, कहां पर है, हाँ शोर के ऊपर है, मतलब बैंक के ऊपर है, मतलब जस्ट बाहर, रिवर के जस्ट बाहर, तो ये ग्राउंड पे आ गया। अब ए से बी मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, नहीं तो कितना मिनिमम टाइम में, मतलब किस एंगल में जाएगा ताकि मिनिमम टाइम में क्रॉस करे, नहीं, क्या क्वेश्चन है कि ही वॉन्ट्स टू रीच बी इन ए मिनिमम टाइम, नहीं ही वॉन्ट्स टू रीच बी इन ए मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम में ये कहां पहुंचना चाहता है, पॉइंट बी के पास, ठीक है, तो किस एंगल पे जाएगा, डायरेक्शन थीटा निकालना, फाइंड थीटा, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो लेट दिस एंगल भी थीटा, यही थीटा हमको निकालना है, कहां चाहता है डायरेक्ट, ही वॉन्ट्स टू रीच इन ए मिनिमम टाइम, व्हाट डू मीन बाय मिनिमम, कम से कम समय में ये बी पे जाना है। देखो अगर ये डायरेक्ट ए से बी जाता है, ठीक, तो हो सकता है ज्यादा समय लग जाए, मान लो ये कहीं यहां पर पहुंच गया, तो हो सकता है कि यहां से यहां गया कुछ टाइम लगा, फिर यहां से यहां पैदल मार दिया, तो उसमें कम समय लगा, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है ना, मान लो फिर इधर पहुंचा, कहने का मतलब कि देखो इसको फाइनली बी के पास पहुंचना है, नहीं, ए यहां है और इसको फाइनली बी के पास, और कम से कम समय में जाना चाहता है, तो किस डायरेक्शन में वो जाएगा ताकि वो कम से कम समय पहुंच पाए। ठीक, तो पहले हम कैलकुलस मेथड बता रहे हैं, उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे, तो बहुत सारा चीज क्लैरिटी आ जाएगी, हो क्या रहा है, ठीक है। तो टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, तो पहले टाइम क्रॉसिंग द रिवर कितना होगा, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो देखो दो तरह का टाइम होगा, मान लो ये है, इसका कंपोनेंट देखो क्या होगा, ये 3 है, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, बोल फटाफट, 3 cos थीटा, इधर क्या होगा, 3 sin थीटा, और इधर क्या होगा, 2 rear, तो इधर से उधर जाएगा, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो T1 ले लेते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्वेश्चन चमका है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको फाइनली ए से बी जाना है, अब कहीं भी उतरे, यहां भी उतर सकता है, पैदल चल चला जाएगा, डायरेक्ट भी जा सकता है, वो भी देख लेते हैं, फिर इधर उधर कहीं भी पहुंचे, लेकिन फाइनली बी से बी के पास जाना है, उसमें समय कितना लगेगा वही निकालना, मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहता है, तो वो मिनिमम टाइम क्या होगा ये भी हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो देख कैसे होगा, लेट T1 बी द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, तो टाइम T1 क्या होगा, देखो तो इधर वाला विड्थ कितना, 1/2 किलोमीटर, तो 0.5, अरे यार, और इधर का वेलोसिटी क्या है, 3 cos थीटा, तो ये कौन सा टाइम हो गया क्रॉस करने का, लेकिन उस केस में देखो कि ये अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो ये डायरेक्ट बी के पास नहीं ना पहुंचेगा, तो हम लोग तो कुछ भी हो सकता है, तो मान लो कि 2 suppose greater than 3 sin थीटा ले लेते हैं, अरे यार,
कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो इसमें ड्रिफ्टिंग कितना होगा, तो लेट x विद द ड्रिफ्टिंग, तो x का ड्रिफ्टिंग ले लेते हैं लेट, ये वाला एंगल प्रिफर किया होगा, तो कुछ ना कुछ मान लो ड्रिफ्ट हो गया है, तो ड्रिफ्ट होने में तो लेट ड्रिफ्ट भी क्या x, तो x का वैल्यू क्या लिखेगा, तो जो नेट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 2 माइनस व्हाट, फटाफट बोलो, 2 माइनस 3 साइन थीटा इनटू टाइम, टाइम यही वाला, तो ये टाइम कितना है t1, तो ये क्या लिखेगा x बराबर 2 माइनस 3 साइन थीटा इनटू t1, t1 क्या हो गया 0.5 बाय 3 कॉस थीटा, बल चमका है, ये x का वैल्यू हो गया। अब ये x का वैल्यू मान लो कहीं भी पहुंच गया, सपोज मान लो ये पहुंच गया c के पास, तो यही हमारा क्या आया x, क्योंकि 2 हम ग्रेटर लिए किससे 3 साइन थीटा से, तो ये मान लो यहाँ अगर 3 साइन थीटा बढ़ा लेते हैं 2 से, तो ये कुछ यहाँ पहुँचता है, बोल चमका है, तो क्या लिखेगा ऐसे। अब जब यहाँ से, अब ये जब c पे पहुँचा है तो हमको इसको तो b के पास पहुँचना था ना, कहाँ पहुँचना था इसको b के पास, तो अब ये पैदल चल देगा, अरे यार, और शोर लाइन जब तक पैदल जाएगा तो इसका वॉकिंग स्पीड कितना दिया हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, नहीं आया कितना, तो उसमें कितना टाइम लग गया, तो टी टू ले लेते हैं टाइम टेकन टू कहाँ से कहाँ सी टू बी, नहीं सी से बी जाने में टाइम कितना लगा टी टू, और जबकि ये टी वन क्या है ए टू, ये कौन सा टाइम है ए टू सी जाने का, तो ए टू सी जाने का टाइम टी वन लिए हैं और सी टू बी जाने का टाइम टी टू लिए, तो टी टू बराबर क्या लेगा एक्स बाई व्हाट 5, नहीं आया, तो एक्स कितना है देख फटाफट 2, अच्छा 2 बाई 3 कितना हो जाएगा, वट इज 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 और ये 5 और 0.5, तो 5 से 5 कटेगा तो 10 बचेगा, अरे यार, और ये 2 बाई 3 देखना कहीं मास्टर गलत ना करे, 2 बाई 3 कॉस थीटा माइनस 3 बाई 3 1, तो ये क्या हो गया tan थीटा, और फिर बाहर में क्या आएगा, तो ये 5 से 5 कट गया ना, तो ये 0.1 या 1 बाई 10 बाहर आएगा, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, अरे बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऑल्सो क्या लिख सकता है, अच्छा टोटल टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, टाइम टेकन टू गो कहाँ से कहाँ फ्रॉम ए टू बी, बोल कैसे लिखेगा, तो टी बराबर हम टी वन प्लस टी टू लिखेंगे, अरे यार, तो टी का वैल्यू क्या होगा फटाफट, वट इज टी वन, टी वन आया क्या 0.3 कॉस थीटा, पॉइंट हटाओ तो 5/30 क्या होता है 1/6, तो 1/6 कॉस थीटा, अरे यार 1/6 कॉस थीटा, ऐसे क्या, फिर प्लस ये वाला टाइम देख 2 बाई, देखो ये क्या होगा 2/30, तो ये क्या हो जाएगा 1/15 कॉस थीटा, देखो तो सही है क्या, कैसे कैसे किया, 2 से 10 कटा 5, तो 5 × 3 = 15 कॉस थीटा माइनस टैन थीटा बाई 10, नहीं आया, अरे बोलो, अब उनको मैक्सिमम मिनिमा का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी बराबर 1/6 sec थीटा प्लस बोलो 1/15 sec थीटा माइनस टैन थीटा बाई 10, ठीक ऐसे, अच्छा एलसीएम लेगा तो क्या होगा, देखो सबका एलसीएम ले ले क्या, तो बोल एलसीएम लेगा तो क्या आएगा, क्या एलसीएम होगा 60 15 10 30 आएगा, तो एलसीएम देखो सही से बनाना, कितना होगा 30 होगा, तो 6 × 25 30, तो ये 5 sec थीटा होगा, अरे यार फिर बोल 2 sec थीटा ऐसे माइनस 3 tan थीटा ऐसे क्या, तो बोल क्या आएगा टी वर 7 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा, कोई कष्ट वाली बात, डिवाइडेड बाई क्या 30, कहाँ दिक्कत, एलसीएम सही है ना 6 15, सही है। अब देखो मैक्सिमम, तो टी इज ए क्या है, टी इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, टी इज ए फंक्शन ऑफ, तो टी इज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हमको डिफरेंशिएट मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो फॉर मिनिमम टाइम के लिए ना, फॉर क्या मिनिमम टाइम डी टी बाई डी थीटा क्या होना चाहिए 0, अब इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या बाहर आएगा, कहीं बीच में गड़बड़ तो नहीं हुआ, अरे बोलो, अब देख क्या 0 बराबर 7 बाहर sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस, फिर बोलो बोलो 3 tan थीटा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, बाकी कचड़ा उधर इक्वल टू 0, यही आएगा इधर 30 उधर चला गया 0, तो देखो tan थीटा sec थीटा बाहर निकालेगा तो 7 tan थीटा माइनस क्या आएगा
3 फटाफट बोलो sec थीटा इक्वल टू 0, 7 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 3 1 बाय cos थीटा इक्वल टू कितना 0। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, cos थीटा गया तो 7 sin थीटा इक्वल टू क्या गया 3, sin थीटा इक्वल टू 3/7, 3/7 क्या होता है किस एंगल में, देखो ये थीटा, ये 3, ये 7, तो ये वाला क्या हो जाएगा बोल, 49 माइनस है ना रूट 40 ऐसे ना, तो मिनिमम टाइम क्या होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/7, तो साइन थीटा 3/7, तो देखो हम फट से ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल बनाने से फायदा सारा ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो नजर के सामने और जिगर के पास, ठीक। अब उनको टी मिनिमम निकालना है, तो टी मिनिमम क्या होगा, तो हम यही थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो टी मिनिमम यही था ना, अरे यार यही तो था, तो टी का वैल्यू क्या था, तो 1/30 बाहर, अब देख 7 sec थीटा चाहिए था, क्या चाहिए था sec थीटा, देख यहाँ पर है क्या, यस फायदा हुआ, बोल कितना होगा 7/√40 माइनस, फिर क्या लिखा हुआ देख 3 tan थीटा, tan थीटा है क्या, बोल tan थीटा क्या है 3/√40, बोल चमका है, yes, अब इसके बाद क्या होगा 1/30, ये क्या होगा 7/7 = 49, 49 में से 9 गया 40, तो 40/√40 ऐसे, कोई कष्ट वाली बात, अब देखो क्या क्या कटेगा, ये तो रूट 40 हो जाएगा, तो 1/30 ये क्या बचेगा √40 बोले तो 10, 2√10 लिख सकते हैं क्या, तो 2√10 बाई कितना 30, नहीं अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, √10 कितना होता है 3 point something, देखो तो 3 point कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से देखो या देखो, √10/30 ऐसे, तो बोल क्या आएगा इसका टी का वैल्यू 0.21, और यूनिट क्या होगा, सब सारा चीज क्या चीज में था आवर में, तो 0.21 आवर लगेगा, ये कौन वाला टाइम है मिनिमम टाइम, ये कौन वाला टाइम, अच्छा अगर डायरेक्ट जाता तो क्या होता, मान लो बहुत कुछ सही रहा सर डायरेक्ट रहता तो ठीक रहता, इतना साला क्या कैलकुलस है डायरेक्ट नहीं, तो डायरेक्ट अगर जाएगा तो डायरेक्ट जाने में देखो क्या होगा, तो डायरेक्ट जाएगा तो बी पे पास जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा 3 = क्या हो जाएगा 2 = 3 साइन थीटा, अरे यार तो डायरेक्ट में लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट के लिए 2/3 साइन थीटा ऐसे ना, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 2/3 ऐसे, साइन थीटा का वैल्यू, अब रफ्तार तो यही होगा 3 cos थीटा, तो डायरेक्ट अगर जाएगा तो डायरेक्ट ए से बी जाना चाहता है डायरेक्ट, तो जाना कितना है 0.5 किलोमीटर, तो 0.5, अरे यार और कितना रफ्तार से जाएगा 3 cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू साइन थीटा से निकलेगा, तो देख ये कितना थीटा 2/3, ये बोल √5, अरे यार तो बोल क्या लिखे, cos थीटा बराबर 3 cos थीटा ना, तो 3 cos थीटा तो ये क्या हो जाएगा 0.5/3, cos थीटा कितना √5/3, तो ये 3 इधर चला गया, तो 3 से 3 कट गया तो कितना बचा 0.5/√5, नहीं 0.5/√5 बोले तो कितना, तो 5/1/2 ना, 0.5 मतलब 1/2√5 ऐसे, तो 1/2√5 करके देखो कितना आएगा 1/2√5, एक सेकंड हम ही कर लेते हैं, रूट फाइव तुम्हारा होता है 0.5 ना, कितना रहा है 1/2, मतलब ये तो 0.5 हो गया ना, सही बना है ना, देखो तो कहीं है, हाँ बोलो कितना है 1/2, मतलब 0.5/√5, √5 कितना होता है √5 2.23, तो 0.5/√5 कितना बोले 2.23, ये 0.224 आ रहा है, नहीं कितना रहा है 0.224 क्या आवर, देख कैलकुलस फायदा का सौदा या नुकसान का,
फायदा है, क्या फायदा हुआ देख तो, अगर डायरेक्ट जाएगा तो 0.224 आवर लगेगा, नहीं डायरेक्ट जाएगा तो क्या लगेगा 0.225, लेकिन अगर मान लो पहले ए से सी जाएगा किस एंगल पे, साइन थीटा बराबर 3/7 या थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/7, तो सी के पास पहुंचेगा फिर पैदल चल जाएगा, पैदल जाएगा तो कुल मिला के कितना टाइम लगा 0.21, ठीक है, जिसमें से ये पूछेगा कि बताओ नदी वाला टाइम बताओ और पैदल जाने वाला टाइम, तो नदी वाला टाइम होगा T1 बराबर 0.5/3 cos थीटा, जिसमें cos थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3/√40/7, तो T1 का वैल्यू भी आ जाएगा, तो T1 का वैल्यू क्या आएगा 0.5/3 मिनिमम टाइम के लिए जो कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे √40/ कितना बोला 7, तो ये T1 हो गया, बोलेगा T2 बताओ, T2 निकाल सकता है क्या, तो T2 का वैल्यू यहीं पर पुट कर देंगे, कौन वाला साइन थीटा की जगह वहाँ पुट करेंगे 3/7 और कॉस थीटा की जगह √40/7, तो T2 आ जाएगा, तो हमको T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया, फिर T1 प्लस T2 का सम भी निकल गया, और वो समय जो आया वो 0.21 आया, जबकि डायरेक्ट जाने का ए से भी कितना आया 0.224, बोल जाओ क्या बी के इधर लेना चाहता है उससे कोई दिक्कत नहीं, तो फिर 3 sin θ - 2 पे काम होगा, तो ले दे करके कुछ ना कुछ आएगा ना, लेकिन अमॉन्ग ऑल द अलॉन्ग द पाथ सो मेनी डिफरेंट पाथ्स आर देयर, सो मेनी वेज आर देयर टू गो डायरेक्टली फ्रॉम टू गो ए टू बी, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी कहीं से गए, बट वन ऑफ द पाथ जो किधर से किधर जाना ए टू सी जाना और किस एंगल पे जाना, तो साइन थीटा बराबर 3/7 पे जाना, तो वो वाला पाथ जो होगा वो वाला एंगल जो होगा उस एंगल में सबसे मिनिमम टाइम लगेगा और कहाँ पहुँच जाएगा ठीक ए से बी, ये अलग वेराइटी का है नहीं चमका बहुत, देखो इसलिए इसको बता दिए क्योंकि जानता है क्या करता है, चूंकि हम लोग मिनिमम टाइम पढ़े हैं तो 90 डिग्री वाला पढ़े, तो ये पैदल भी आ गया ना यार, ये तो पैदल वाला भी, पैदल जाने का भी इसमें वॉकिंग स्पीड भी तो लिखा हुआ था, तो हमको फाइनली ले दे करके बी के पास पहुंचना था, वी कैन नॉट गो डायरेक्टली, तो क्वेश्चन पहले देखना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात, टफ लगा क्या, कोई कष्ट वाली बात, ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मान लो कि ये तुम्हारा रिवर है, ठीक, ये क्या है रिवर, रिवर का चौड़ाई मान लो दिया हुआ कितना 9 किलोमीटर, बोल क्लियर, yes, अब ये मान लो देखो एक डॉट यहाँ ले लिए, एक डॉट यहाँ ले लिए, अब यहाँ पर ना एगो मान लो कि एक झोपड़ी है, नहीं ये झोपड़ी है, एक आदमी को जाना है कहाँ से कहाँ, ए से झोपड़ी में, ठीक है, इसका घर है हाउस, और बीच में क्या आ गया रिवर, बीच में क्या आ गया रिवर, अब ये मिनिमम टाइम में जाना चाहता है ए से कहाँ पर, घर पर, लेट द होम बी एच, नहीं मिनिमम टाइम में जाना चाहता है कहाँ से कहाँ, ए से एच जाना चाहता है, तो बहुत सारा रास्ता है, या तो चाहेगा तो यहाँ, और ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ है वो तुम्हारा 15 किलोमीटर, ठीक, शोरलाइन पे पैदल चलेगा और इसके अंदर चलेगा, इसके अंदर जो चलेगा वो स्विमिंग स्पीड जो है, स्विमिंग स्पीड जब वो तैर के जाएगा तो स्विमिंग स्पीड मान लो दिया हुआ है कितना ले ले, चलो 4 किलोमीटर पर आवर, नहीं स्विंग स्पीड कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जब वो पैदल चलेगा तो थोड़ा ज़्यादा ही तेज चलेगा, तो मान लो वॉकिंग स्पीड दिया हुआ है कितना, वॉकिंग स्पीड कितना ले ले, चलो समझने के लिए 5 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, नहीं, और यहाँ से ठीक इसके ऑपोजिट में यहाँ पर जो घर है वो 15 किलोमीटर का दूरी पर है और रिवर का चौड़ाई क्या है, अब रिवर जितना भी स्पीड से जाए बट ये अपने आप को जो जनरेट कर ले स्विमिंग स्पीड वो दिया हुआ है, रिवर का स्पीड अब ये इशू नहीं रहता है, अब इसको फाइनली एज पे पहुंचना है, तो किस ढंग से जाएगा, किस एंगल को प्रीफर करेगा, कैसे कैसे जाएगा, मतलब कहाँ लैंड करेगा, कहने का मतलब कि ये कहाँ पर लैंड करेगा, मतलब ये कहो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, नहीं ताकि ये ए से मान लो ये एम या पी ले लेते हैं, तो ए से पी जाए फिर वॉक करके जाएगा, वॉकिंग स्पीड कितना दिया हुआ है, तो फिर पहुंच जाएगा कहाँ पर, तो कैसे जाएगा ये हमको फाइंड आउट करना है, बोल क्लियर है, नहीं चमका क्या होगा, पहले टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने का, फिर टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने का, दो तरह का टाइम इसमें भी लगेगा जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे, और वॉकिंग स्पीड कितना दिया हुआ है और स्विमिंग स्पीड कितना दिया हुआ है, बोल क्लियर है, और रिवर की चौड़ाई कितना 9 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ कितना, अब हमको कुछ भी नहीं पता है,
अभी अगर मान लो डायरेक्ट ए ऐसे जाएगा, पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से अगर मान लो एच गया तो सकता है ज़्यादा टाइम ले ले। डायरेक्ट अगर ए से एच जाएगा तो ज़्यादा टाइम ले ले। जैसे अभी हम लोग देखें, अगर मान लो पहले ए से पी कुछ कर ले और फिर पी से एच चल ले तो हो सकता है कम टाइम लगे, हमको पता नहीं, बात सारा दुनिया भर का। ठीक, तो पहले यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। तो देखो कैसे कैसे होगा। देख ये वाला रफ्तार कितना दिया हुआ, 4 किलोमीटर पर आवर ऐसे, और फिर ये पैदल जो जाएगा, पैदल वॉकिंग स्पीड कितना दिया हुआ, तो ये एक से, तो बाकी का दूरी क्या होगा, 15 माइनस 1 नहीं आया, तो दो तरह का टाइम होगा। तो टाइम कहाँ से कहाँ, तो टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू पी प्लस व्हाट, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम पी टू एच, बोल क्लियर है। अब ये टाइम कैसे निकलेगा, तो देखो ये एक से ये 9 है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये इसका वाला, तो अंडर रूट व्हाट, 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अरे बोलो क्या होगा अंडर रूट, तो कितना जाने का टाइम लेगा, तो डिस्टेंस जाना इतना है और रफ्तार इतना है, तो टी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट व्हाट, 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नहीं आया, डिवाइडेड बाय कितना जाना है, 4, तो ये टाइम हो गया। तब पहुंचा कहाँ से, कहाँ से कहाँ पहुंचा, ए से पी पहुंचा, बोल क्लियर। अब उसको पैदल जाएगा, तो पैदल जाएगा तो वॉकिंग स्पीड कितना दिया हुआ, 5, तो बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है, 15 माइनस 6 नहीं आया, डिवाइडेड बाई व्हाट, 5, क्लियर है। अब चूंकि टाइम को मिनिमाइज करना है ना, तो हमको कैलकुलस यूज करना होगा, तो 4, हाँ मैक्सिमम इनिया का प्रॉपर्टी, तो 4t to be what मिनिमम, t को मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए बोल, तो dt by dx should be equal to क्या, 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो फटाफट देखो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ये वाला तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/4 बाहर, अरे यार, फिर अंडर रूट 2, बोलो बोलते जाएगा फटाफट, 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर इसके अंदर घुस के करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, कोई कष्ट वाली बात, प्लस फिर ये वाला देख, 1/5 बाहर, अरे यार, तो 15 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 6 का 1, कोई कष्ट वाली बात, इक्वल टू 0, उधर जाओ तो ये क्या होगा, ये 2 से 2 कट गया तो x/4 और अंडर रूट 81 प्लस x स्क्वायर होगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 1/5 हो गए, कुछ कट वो करेगा क्या, तो देखो क्या हो जाएगा, 5x क्या होगा, 5 into x = 4, फिर क्या होगा, अंडर रूट 81 प्लस x स्क्वायर, अब हम क्या करें, स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 25x² = 4, 4 into 81, अच्छा 16 into 81 फटाफट से बताओ, 16 into 81 1296 0 नहीं 16 into x² ऐसे, तो ये इधर आएगा तो 16 25 में से 16 गया, 9x² = 1296 ऐसे ना, तो बोले x का वैल्यू कटेगा, 1296 डिवाइडेड बाय क्या, 9 अंडर रूट, कितना से कटेगा, हाँ तो क्या आएगा, ये कितना से कटेगा, 144 आ रहा है, तो x का वैल्यू 12 बोले तो कितना, x का वैल्यू प्लस 12 आ रहा है, कहीं मिस्टेक है क्या, ये 5 लिया है ना, तो 5x का मतलब 5x² और 16 4, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, देखो तो ये x है, ये 15 किलोमीटर है, ये 9 है, तो कितना आ जाएगा, 2 कटा x बाय इतना, कितना बोला x का वैल्यू, 12 ऐसे, अच्छा खाली 12 आ रहा है, अच्छा अच्छा हमको लग रहा हो कि रूट 12 आ रहा, नहीं नहीं ठीक है ना, तो एक, अच्छा ये कट जा रहा है ना, हाँ वही चीज करना चाह रहे, x का वैल्यू कितना आ गया, 12 किलोमीटर। अब x का वैल्यू 12 कौन वाला, हाँ ये 12 किलोमीटर, तो देखो ये 12 किलोमीटर आया तो बाकी ये कितना बचा, 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर हो गया। तो कहने का मतलब देखो कैसे कैसे हुआ, देख ये तुम्हारा ऐसे था ऐसे करके, और ये वाला कितना था, 9 किलोमीटर, उसका घर कितना दूर पे था, 15 किलोमीटर, बोल चमका है। अब यहाँ से यहाँ पहले ये डायरेक्ट जाएगा, यहाँ पर कितना इधर जाएगा, 12 किलोमीटर, तो बाकी कितना बचा है, 3 किलोमीटर। अब ये 12 है, ये 9 है, तो ये कितना, सॉरी 13, अरे यार 12 9 13, अब 13 का इधर वाला कितना से जा रहा है,
पाइथागोरस पंद्रह बारह और नौ। अरे ये साइड कितना लेंथ होगा, ये वाला साइड का लेंथ बारह है ना, ये साइड का लेंथ कितना है नौ, तो अंडर रूट बारह का स्क्वायर प्लस नौ का स्क्वायर तेरह, अच्छा अच्छा ठीक गड़बड़ हो गया ना, बारह बारह पाँच का होता है हाँ, ये तेरह तेरह किलोमीटर हुआ हाँ सॉरी पंद्रह किलोमीटर हुआ, तो चलो ये पंद्रह किलोमीटर हो गया ऐसे, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो गया पंद्रह किलोमीटर, ठीक है। अब ये पंद्रह हो गया तो जाने का टाइम कहाँ से कहाँ, ये ए है, ये कौन सा पॉइंट था देख लो वहाँ पर, बी था, ये कौन सा पॉइंट था पी था, ये कौन था एच था, तो ए से पी जाने का पंद्रह बटा चार कितना, ए से पी जाने का प्लस फिर कहाँ से कहाँ पी से एच जाने का देख कितना है 3.75, तो ये वाला 3.75 कैसे किए 15 बाई 4 ना, फिर ये वाला कितना बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस 3, 3 कितना से आना 5 से, तो बोल कितना है 15 बाई 4 कितना फटाक से 3.75 प्लस 0.6 बोल कितना आएगा 5 7 6 13 4.35 आवर, नहीं 4.3 आवर में मिनिमम टाइम, दिस इज व्हाट मिनिमम टाइम, ये मिनिमम टाइम पहुंचेगा नहीं, अगर मान लो पहले ए से बी जाता और फिर बी से एच जाता, तो पहले ए से कहां जाता ए से मान लो बी जाता फिर कैसे जाता बी से बोलो 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 फटा से एच, तो कितना टाइम लेता है बोलो, ए से बी जाता तो 9 बटा 4 अरे यार फिर बोल बी से एच जाता तो 15 बटा व्हाट 5, तो कितना हो जाता 9 बटा 4 बोले तो 2.25, तो 2.25 प्लस 15 बटा 3 तो कितना हो जाता 5.25, वारे डाटा नहीं वारे डाटा, देख रहा है अगर पहले ए से पी ट्राई करेगा फिर पी से एच ट्राई करेगा तो वो कंपैरेटिवली मिनिमम टाइम में पहुंचेगा, ठीक है, और ए से बी जाएगा और फिर बी से एच जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, मान लो उससे ज्यादा तेज निकला चलो बोलो कहीं हटा रोड वाला दूरी, वो डायरेक्ट जाना चाहता है कहां से कहां घर, तो बोलो कितना टाइम लगेगा, तो ये है 15 ये है 9, तो ये वाला दूरी क्या होगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो टाइम कितना लग जाएगा देख डायरेक्ट तो 15 रूट कितना बोला 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ना डिवाइडेड बाय जाता कितना है 4 से, तो कितना बोला रूट 306 बाई 4, तो 306 बोले तो कितना हो जाएगा 306 मतलब 20 से कम ही रहेगा ना, हाँ बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बाय 4 भी करना है कितना 9.1, ये कितना आया 225 प्लस 81 306 बोले तो मोटा मोटी 17 से बढ़ा होगा 18 से कम होगा हाँ 17 269 289 दोनों का बीच में होगा डिवाइडेड बाय 4 4 पॉइंट समथिंग आएगा उससे ज्यादा ही आएगा करके देख लेना इससे ज्यादा ही आएगा, मतलब बेस्ट ऑप्शन कौन सा था कि पहले से ए से पी जाना और कितना दूर पर 12 किलोमीटर पर फिर यहाँ से यहाँ जाना वो कितना पे 3 किलो, तो बेस्ट ऑप्शन है कितना आ रहा उसमें कैलकुलेट किया क्या कितना 19.4 कितना हो जाएगा सेकेंड आवर सब मिला के रूट अंडर 19 तो कितना फिर बाई 4 भी तो है ना तो ज्यादा ही हो सर पूरा मिला के सब सॉल्व किया तो 4.35 से ज्यादा हुआ ना बस हमको वही मतलब था तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हाँ मतलब समझ में आया कैसे इसको एक क्लासिकल मेथड बताएं क्लासिकल मेथड मतलब क्लासिक मेथड क्लासिकल नहीं क्लासिक मेथड दैट इज व्हाट स्मार्ट मेथड देखो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बता रहे TIR ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट से बता रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो इसका स्पीड अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है स्लो है
क्योंकि ये 4 किलोमीटर पर आवर है, कितना है 4 किलोमीटर, और जबकि ये वाला जो वॉकिंग स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि देखो ये अगर लाइट ट्रैवल करता है कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयरर, तो इट गोज व्हाट, इट ट्रैवल्स व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल होगा, देखो अगर इस पर देखो, चूंकि ये स्पीड इसमें कम है, इसका स्पीड इसके अंदर क्या है VBR बोले तो कितना है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि वॉकिंग स्पीड कितना है, और बोलो वॉकिंग स्पीड इसका 5 किलोमीटर पर आवर। तो लाइट इसको हम डेंसर मीडियम ले रहे हैं, क्या मांगे इसको डेंसर, क्योंकि वो स्पीड स्लो है, और जब इसमें ट्रेवल करेगा तो वो रेयरर मीडियम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड फास्ट हो गया। अब लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर से रेयरर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बट अगर क्रिटिकल एंगल पे मान लो, जो लाइट पढ़ा होगा वो समझ में आ जाएगा, अगर मान लो किस एंगल पे लाइट फॉल करे, थीटा सी बोले तो क्रिटिकल एंगल, तो फिर ये वाला जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाता है 90 डिग्री, नहीं, और इसका फिर यहाँ पर घर है, तो आदमी का मूवमेंट जो है वो लाइट के हिसाब से सोच रहे हैं, नहीं पैदल गया इतना 4 से, फिर इधर कितना गया 5 से, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ऑप्टिक्स से, ठीक है, क्रिटिकल एंगल निकाल करके। तो क्रिटिकल एंगल करेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, लाइट नहीं डेंसर से रेयर, लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर से रेयर, ये रेयर मीडियम है ना, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड क्या क्या है, यस इसका ओरिजिनल पाथ ये था, तो नॉर्मल से थोड़ा वो दूर चला गया। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो क्रिटिकल एंगल, तो व्हाट विल बिकम दिस एंगल 90, कितना हो जाएगा 90। तो अब देखो हम लोग स्नेल्स लॉ लगा के बना लेते हैं, वी आर अप्लाइंग व्हाट स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि न्यू साइन आई का प्रोडक्ट क्या रहता है कॉन्स्टेंट, नहीं अब न्यू ले लो तो जिस मीडियम का न्यू लेंगे उसी मीडियम का नॉर्मल के साथ हाँ जो भी एंगल है वो लेंगे, तो इस मीडियम का न्यू क्या है, तो इस मीडियम का म्यू हमको निकालना पड़ेगा। देखो म्यू का वैल्यू क्या होता है, सी बाई, पहले म्यू ले लेते हैं, तो म्यू ले लेते हैं, ठीक है, म्यू क्या है म्यू, अब इसका एंगल ऑफ क्या है, तो ये थीटा सी हो जाएगा, अरे यार नहीं, इसका म्यू म्यू है और इसका एंगल थीटा सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा म्यू हो जाएगा, चूंकि ये रेयर मीडियम है, तो मान लो म्यू रेयर का 1 ले लेते हैं, रेयर मीडियम का म्यू क्या होता है 1, नहीं एयर मीडियम का या वैक्यूम मीडियम का म्यू क्या होता है 1 into थीटा, ये तो क्या आ जाएगा नहीं है। अब म्यू का वैल्यू क्या होता है सी बाई वी, सी बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वैक्यूम कौन वाला मान रहे हैं बाहर वाला जिसका रफ्तार क्या है 5 और मीडियम कौन मान रहे हैं 4, तो बोल सी बाई वी की जगह क्या लिखेगा, तो एक्चुअली हमको सी बाई वी लेना चाहिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इक्वल टू 1 हो जाएगा, सी बोले तो 5 वी बोले तो 4 साइन थीटा सी इक्वल टू ये, तो साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा सी इक्वल टू 4/5 ना, तो थीटा सी कितना 53 डिग्री, वारे डाटा नहीं कौन वाला 53, तो ये एंगल क्या है 53 टर्निंग 53, तो ये 53 तो ये भी कितना 53, अब इसका विड्थ कितना दिया हुआ 9 किलोमीटर और ये एंगल कितना है, तो क्या हम ये निकलेगा तो ये क्या होगा 9 tan 53 बोले तो 4/3 तो ये कितना आ जाएगा 12, तो देख ये वाला 12 किलोमीटर आया नहीं चमका, अब ये 12 आया तो यहाँ से यहाँ कितना था 15, तो ये क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर, कोई कैलकुलस यूज किए कोई कुछ भी किए, देखो इतना जब बनाए थे तब जाके हमारा आंसर आया था नहीं चमका, इतना जब सॉल्व किए तब जाके हमारा कितना आंसर आया, अब देखो कितना पे आ गया देख रहा है 53, मतलब ये तुम्हारा 9 है ये 12 है, तो इसका भी लंबाई क्या हो जाएगा 13 नहीं 15 कहाँ दिक्कत देख रहा है। तो TIR स्मार्ट मेथड कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बता दिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये पूरा प्रॉब्लम हो गया, ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट से देखो रिलेटिव बता रहे हैं, बोल चमका है पूरा फील के साथ समझ में आया, क्लासिकल मेथड नहीं, तुम चाहो तो ये सब भी मेथड यूज कर सकता है ठीक है, बहुत सारा सवाल हो सकता है, सवाल का कोई लिमिटेशन नहीं है कोई कॉन्सेप्ट, देखो अगर मान लो ऐसे बोल देगा इस तरह का भी सवाल बनेगा क्या, देखो मान लो कि ये नदी है, ये नदी है
ठीक है, नदी का मान लो ये 100 किलोमीटर का नदी है, ठीक। अब एक खुट्टा यहाँ गड़ा हुआ है, यहाँ से भी यहाँ 100 किलोमीटर पर नहीं, और यहाँ से भी कितना 100 किलोमीटर, ठीक। तो ये कौन ट्रायंगल हो गया। अब मान लो इसका रफ्तार दिया हुआ है, कह रहा है कि ए बी सी, पहले ए से बी जाना है, फिर बी से सी जाना है, वापस सी से ए जाना है, ठीक है, डायरेक्ट। तो कितना टाइम लगे ये बताना, और सब कुछ दिया हुआ, वी आर दिया हुआ है, वी बी आर दिया हुआ है। तो ये तो मोशन, देखो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, मोशन ये डिजायर डायरेक्शन ना, तो ए से बी जाना चाहता है तो किधर जाएगा, तो थीटा फीटा निकाल लेगा। बी से सी जाना था, सी हिल रहा है क्या, सी खुट्टा है नदी के अंदर, तो ये हिलने वाला नहीं है, तो ये तो बी से सी मोशन इन डिजायर, तो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो मोशन इन डिजायर, तो ये इस तरह का लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। अरे यार अप्लाई का हमारा क्या क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, हर तरह का बनेगा, बोल चमका है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा दो शहर है, ठीक है, शहर ए शहर बी, ठीक, दो शहर हो गया या दो जगह हो गया दो, ठीक है, और दोनों जगह के बीच में या दो पॉइंट जो है वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है एल, बोल क्लियर। अब देखो क्या हो रहा है कि विंड ब्लो कर रहा है, विंड लगातार ब्लो कर रहा है, और विंड का जो डायरेक्शन है वो ना ही ए से बी है ना ही बी से ए है, ठीक, समझा, ना ही ए से बी है ना ही बी से ए है, थोड़ा तिरछा है, विंड जो है ऐसे ब्लो कर रहा है, ऐसे लगातार राजा महाराजा का टाइम से जो ब्लो कर रहा है तो कर रहा है ऐसे, कभी डायरेक्शन विंड का चेंज हुआ ही नहीं, लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से ब्लो कर रहा है तो ब्लो कर रहा है, बोल क्लियर, ठीक। इसी में दो पॉइंट आ गया। अच्छा, विंड का ब्लोइंग स्पीड जो है हमेशा सेम है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं हो रहा, और उसका इंक्लिनेशन भी चेंज नहीं हो रहा है, उसका इंक्लिनेशन जो है वो मान लो थीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, थीटा, ठीक है, बोल क्लियर है। अब तो कोई इसके अंदर एरोप्लेन चलाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर जगह में पहुंचना, ठीक है। तो एक चमत्कारी पायलट है, ठीक है, क्या है, चमत्कारी पायलट, चमत्कारी पायलट देखो क्या करता है, अपना एरोप्लेन को पहले ए से बी ले जा रहा है, ठीक, और बिना टाइम बर्बाद किए हुए फिर वापस बी से ए आ जा रहा है, नहीं पहले कहां से कहां गया, ए से बी, फिर कहां, और बिना समय बर्बाद किए हुए तुरंत वापस इमीडिएटली बी से ए आ गया। तो बताना है तुमको कि जाने और आने दोनों का टाइम कितना लगेगा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम बताया पूछा गया, ठीक है, मतलब टोटल टाइम पूछा जाने और आने का, मतलब टाइम पूछा कहां से कहां, ए से पहले बी का, फिर कहां से कहां, बी से वापस ए आने का, यही टोटल टाइम क्या होगा, यही क्वेश्चन, क्वेश्चन चलगा है। और ये भी दिया हुआ कि जो पायलट जो है बहुत बढ़िया से चला रहा है एरोप्लेन, तो विंड का रफ्तार कुछ भी हो, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो, वो बराबर कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चला रहा है, मतलब कि वी है, कि दिया हुआ ये क्वेश्चन में कि वी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, एयर या विंड, बोल चमका है, मतलब वो जब भी जा रहा जिधर भी जा रहा तो बराबर कांस्टेंट स्पीड कितना मेंटेन किया हुआ है, मेंटेनिंग ऑलवेज स्पीड वी, नहीं मेंटेनिंग ऑलवेज स्पीड कितना, बोल क्लियर है, कहां कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो क्या होगा, कैसे कैसे बनाएंगे, देखो ये तो मोशन इन ए डिजायर डायरेक्शन वाली बात हो गया, नहीं क्या हो गया, मोशन इन ए डिजायर डायरेक्शन, मोशन इन ए डिजायर डायरेक्शन, जहां चाह वहां रा, लेकिन इसके लिए चमत्कारी पायलट भी होना चाहिए। अब देखो देखो क्या है, पहले ए से बी गया फिर वापस बी से आया, और मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड कितना, वी इन विंड,
विंड के अंदर भी ये बराबर कांस्टेंट स्पीड वी से मेंटेन किया हुआ है। अब वो बनेगा कैसे, तो सबसे पहले देखो क्या है कि देख ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है ए, ये कौन सा बी, बी है। अब विंड स्पीड देखो तो किधर है, ऐसे कितना रफ्तार है यू, और ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, बोल क्लियर है। अगर एरोप्लेन को डायरेक्ट किधर से ले जाएगा, ए से बी की तरफ, तो उसको हवा ठेल ठेल के ठेल के बी के पास पहुंचाएगा कि बी के अप की बी के डाउन, बी के डाउन चला जाएगा। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। अच्छा अगर इधर जाएगा तो और ठेल के इधर पहुंचा देगा, तो किधर जाएगा कि पहुंचेगा, तो ऊपर जाना, और ऊपर जाएगा तो कितना रफ्तार से जाएगा, तो मान लो बहुत बढ़िया ऊपर जाएगा तो लेट ऊपर वाला ही वेलोसिटी हम इसको क्या ले लेते हैं, मान लो कि ये ऐसे जा रहा है, बोल क्लियर है, और इसका स्पीड v दिया हुआ क्वेश्चन में, और ये एंगल हम अल्फा ले लेते हैं, बोल क्लियर है। अब हमको करना क्या है कि देखो वेलोसिटी को बैलेंस करना है, क्या करना है, वेलोसिटी को बैलेंस, वेलोसिटी का कंपोनेंट देखो इधर जो होगा वो क्या होगा, इधर वाला पार्ट v cos अल्फा, और इधर वाला पार्ट क्या होगा v sin अल्फा, नहीं आया, इधर वाला पार्ट क्या v cos अल्फा, ऊपर वाला पार्ट v sin अल्फा। ये किसका स्पीड, एरोप्लेन का, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू विंड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाउन। ये क्या है, वी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर या विंड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इसको ऑल्सो क्या बोला जाता है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन स्टील, स्टील एयर या स्टील विंड, ठीक है। अब देखो यू को रिजॉल्व करेगा तो इधर का यू कॉम्पोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा, और इधर वाला क्या होगा, बोल क्लियर है। अब सुनो अगर v sin अल्फा, अच्छा एक चीज बताओ कि a से b जाएगा तो विंड मोशन को अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि जाना चाह रहा इधर और विंड देखो ठेल रहा है कितना से, u cos थीटा से, इन द डायरेक्शन ab अगर देखा जाए तो, बोल क्लियर है। अब देखो देखो v sin अल्फा और u sin थीटा, और जाना है अलोंग ab, किधर जाना है, क्वेश्चन क्या है कि जाने का टाइम ए से बी और वापस आने का, और जाना है ऑलवेज मेंटेन करना है यही पाथ को, ए से बी जाना है और वापस किस पाथ में गया, इसी पाथ में वापस लौट आना है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो ये दोनों वेक्टर को, अगर ये वेक्टर बड़ा हो गया किस वेक्टर से, इस वेक्टर से, तो व्हाट विल हैपन, ए बी के ऊपर रहेगा तो फिर बी के पास पहुंच नहीं पाएगा। अगर यू साइन थीटा बड़ा हो गया किससे, v sin अल्फा से, तो ए बी से नीचे तो b के पास पहुंच नहीं पाएगा, तो वेलोसिटी को बैलेंस करना होगा। अगर ये वेलोसिटी बराबर ये रहेगा ऑलवेज थ्रू आउट द मोशन, तो ये हमेशा इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर मूव करता रहेगा, नीचे का क्या हुआ, बल जमका है ऑलवेज, ये वाला वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू ये वाला, अगर ये बड़ा तो लेफ्ट साइड ऑफ एफ हो जाएगा, ये बड़ा तो राइट साइड ऑफ एफ, अगर दोनों बराबर हुआ तो ऑलवेज किधर रहेगा, ऑलवेज ऑन द लाइन ए भी रहेगा, बोल चमका है, कहां कष्ट। तो एक तो मतलब हमारा हो रहा है कि v sin अल्फा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, u sin थीटा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ u भी और थीटा इज नोन, तो इससे हमारा sin अल्फा निकल जाएगा, तो sin अल्फा क्या होगा, u sin थीटा बाय व्हाट, v। अब इसे फटाक से हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, नहीं अब ट्रायंगल बनाएंगे तो ये अल्फा है नहीं, तो ऊपर वाला साइड क्या होगा, u sin थीटा, और नीचे ये वाला साइड क्या होगा, तो ये वाला निकल जाएगा अगर जरूरी पड़े तो, नहीं अगर ये बना लेने से सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड, बोल क्लियर है। और जाने का टाइम क्या होगा, जाने का टाइम, तो जाने का टाइम देखो, टाइम जाना कहां, ए से बी, कहां जाना है, ए से बी, तो जाना कितना है, तो जाना है एल, अरे यार जाना कितना है, L, तो जाना है L, और क्या रफ्तार इसको मिलेगा फाइनली, हाँ v cos अल्फा माइनस u cos थीटा, क्या मिलेगा, v cos अल्फा माइनस u cos थीटा, बोल जमका है। तो चला गया कहां से कहां, a से b, बोल क्लियर है। अब इसको वापस आना है कहां से कहां, ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा क्या है b, और राजा महाराजा के टाइम से विंड ब्लो कर रहा है, अरे यार और विंड कैसे ब्लो कर रहा है,
व्हील तो ऐसे ब्लो कर रहा है ना, अरे यार यू स्पीड है और बराबर ये एंगल कितना है, थीटा है। अब एरोप्लेन को जाना किधर है, वापस बी से ए, किस पाथ में, इसी पाथ में, बोल क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब वो किधर अप्रोच करेगा, अगर मान लो फिर बी से ए ही अलोंग में जाने लगा तो विंग ठेल ठेल के ठेल ठेल के ठेल ठेल के किधर पहुंचा देगा, बी ए के नीचे, नहीं चमका क्या होगा, तो वापस मतलब पहुंच नहीं पाएगा। चमत्कारी पायलट है, देख रहा कैसे एरोप्लेन को चलाने के लिए इतना सारा जुगाड़ करना पड़ता है, तभी तो प्रॉपर जगह में पहुंचता है, तो पता चलेगा वहां पहुंच गया और वहां साला कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं, वहां कोई एरोड्रोम ही नहीं, जंगल ही जंगल है, और जंगल में तो एरोप्लेन उतार नहीं सकता है, कोई नदी भी उतार नहीं सकता है, तो एक सही जगह होना चाहिए। तो बहुत हिसाब से विंड के हिसाब से बहुत अच्छा से एरोप्लेन चलाना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो क्या होगा, अब एरोप्लेन को किधर ट्राई करना हो, ऊपर या नीचे, ऊपर थोड़ा, तो पता नहीं किस एंगल पे ट्राई करना होगा। तो मान लो ये वाला, अच्छा ये तो ये रफ्तार हमेशा सेम है, ये तो कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है, और ये एंगल सपोज अल्फा डैश ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्फा डैश, बोल क्लियर है। अब वही चीज हमको यहाँ भी करना होगा। अब देखो इधर वाला कॉम्पोनेंट क्या है, ये हम लोग एज्यूम किए हैं लेट अल्फा डैश की तरफ जाता है, ये अल्फा डैश का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो कॉम्पोनेंट इसका क्या क्या बनेगा, देखो इधर वाला कंपोनेंट क्या, v cos अल्फा डैश, इधर वाला बोल v sin अल्फा डैश, क्लियर। अब u का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, हाँ u है तो इधर वाला पार्ट u cos थीटा और इधर वाला पार्ट u sin थीटा, बोल क्लियर है। अब तो बहुत सारा चीज क्लियर हो गया होगा, तो किसको बैलेंस करना होगा, अगर ये वेलोसिटी बड़ा इससे तो ऊपर, ये बड़ा इससे तो नीचे, और बराबर तो बराबर कहते तो हमेशा बी ए अलोंग में रहेगा, अलोंग बी ए, बोल क्लियर है। तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ, कंडीशन वी साइन अल्फा डैश इक्वल टू यू साइन थीटा, कहाँ दिक्कत, तो साइन अल्फा डैश कितना हो गया यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, अच्छा साइन अल्फा कितना आया था, ये भी उतना ही आया था, ओहो हो देख रहे u sin theta by v आया था, ये भी कितना आया, इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश, इसका मतलब वही एंगल मेंटेन करके वापस आना होगा, लेकिन वही है एक नीचे किधर गया, ऊपर और एक ऊपर, दोनों ऊपर ही है बट एक जाने का है और एक आने का, बोल क्लियर है, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो ये विंग सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा क्योंकि ये इधर जा रहा है वी कॉस अल्फा डैश से और विंड भी उधर ही ब्लो कर रहा है, तो बोल बी से ए जाने का टाइम, लौटने का टाइम क्या होगा, बी से ए, तो जाना कितना है, जाना है एल, कोई दिक्कत वाली बात, टफ लग रहा है क्या, जाना कितना है एल, और क्या रफ्तार मिलेगा इसको, वी कॉस अल्फा डैश प्लस यू कॉस थीटा, ठीक, बट अल्फा डैश और अल्फा सेम है तो क्या लिख सकते हैं, बी से ए इक्वल टू व्हाट, एल बाई बोल वी कॉस अल्फा डैश, तो वी कॉस अल्फा कर दे क्या प्लस यू कॉस थीटा, बोल क्लियर है, जिसमें अल्फा का वैल्यू इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से हमको निकालना पड़ेगा, ठीक, कहां दिक्कत। अब यहां से कॉस अल्फा चाहो तो निकाल लो, कॉस अल्फा क्या होगा, तो कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा क्या होगा, बेस, बेस कितना होगा, तो बेस होगा तुम्हारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, यही ना होगा वी स्क्वायर में इतना, तो ये कॉस अल्फा डैश हो जाएगा, जो भी वैल्यू पुट कर लेगा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, ये हमारा कहां टफ, कोई दिक्कत वाली बात। तो बोल क्या करना पड़ेगा, अब टोटल देखो मतलब यहां से जाने का और वापस ए है बी है और वापस लौटने का, ये अलग अलग पाथ है क्या, सेम पाथ है लेकिन जाने का और आने का दोनों का पता है, तो टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा, टाइम ए से बी जाने का प्लस बी से ए आने का, बोल क्लियर है। तो टी इक्वल टू क्या, तो ए से बी मतलब कि एल बाय व्हाट, v cos अल्फा माइनस u cos थीटा प्लस, फिर बोल क्या होगा, l बाय बोलो v cos अल्फा
प्लस यू कॉस थीटा। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? देख क्या क्या लिखेगा, ये एल कॉमन आ गया नहीं, तो वी कॉस अल्फा प्लस यू कॉस थीटा प्लस वी कॉस अल्फा क्या कटेगा, यू कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू वी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टफ लगा क्या? तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वेर अल्फा का वैल्यू वो हो जाएगा, चाहोगे तो अल्फा का वैल्यू पुट कर लो, वेर कॉस अल्फा क्या लिखेगा, वेर कॉस अल्फा यू विल राइट कितना लिखेगा कितना निकाले, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये है हमारा कॉस अल्फा। तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए ना पुट किए, बल चमका है, टफ लग रहा क्या इस टाइप का सवाल, ए से बी जाने का और वापस तुरंत इमीडिएट बी से ए आने का, यही है ठीक। इस टाइप का कोई भी सवाल होगा बन जाएगा, देखो यू कहा ये यहाँ ना ठीक है, चल हो गया ठीक है नहीं। अच्छा वैल्यू पुट करेगा तो कितना आएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेगा तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2vl ऐसे, और cos अल्फा कितना है, v स्क्वायर माइनस व्हाट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे डिवाइडेड बाय व्हाट v ऐसे। अरे यार cos अल्फा पुट किए, नीचे में क्या लिखेगा, v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई वी स्क्वायर ऐसे, फिर क्या होगा, माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोल चमका है कहाँ दिखा। अब एलसीएम लेगा तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, अब देखो क्या होगा, वी स्क्वायर अच्छा यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अरे यार ये साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें भी यू स्क्वायर है इसमें भी यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता है, साफ सुथरा आ रहा है, बोल जमका है। तो अंततः ये वाला आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो 2vl ब्रैकेट में क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ठीक है डिवाइडेड बाई, अच्छा ये वाला v और ये वाला v कट जाएगा, तो ये v भी हटा दो, फिर नीचे में क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर थीटा, यही हमारा फाइनल। कहाँ लग रहा है कष्ट, अब थीटा का प्रॉपर वैल्यू दे देगा तो बन जाएगा नहीं, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन वैल्यू ऑफ वी इज गिवन एवरीथिंग इज गिवन, तो बोल बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, कहाँ कष्ट ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुनो इसी टाइप का है, तो ये चमत्कारी क्या चीज का है प्रॉब्लम, चमत्कारी पायलट का नहीं, कोई ऐसा अगर प्लेन चलाएगा तभी जाके पॉसिबल है ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन देखो, उसके बाद मोशन लीनियर डिजायर डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, बोल फील आ रहा है रिलेटिव में, टफ लग रहा है क्या, हालांकि ये अच्छा अच्छा मतलब बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन में आता है ये नहीं। सुनो क्या है प्रॉब्लम कि देखो, राजा महाराजा के टाइम से व्हील ऐसे ब्लो कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से, लेट द वेलोसिटी ऑफ विंड भी क्या ठीक है यू नहीं। अच्छा इसमें क्या है कि चार शहर है, कितना शहर, चार शहर, शहर ए शहर बी शहर सी शहर नहीं, ए फोर अहमदाबाद, बी फोर बोकारो, सी फोर कैलकाता और डी फोर दिल्ली, चार शहर है मान लो ऐसे समझने के लिए, चारों बिल्कुल ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर पे है नहीं, और लेंथ दिया हुआ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर का मान लो ए ले लो, ए क्या है और ये है क्या स्क्वायर ठीक। अब वही वाला पायलट देखो क्या करता है, भी दिया हुआ है क्या, भी वही क्या दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है
ऑल क्लियर है, मतलब जब भी वो चलाएगा विंड के अंदर तो कितना रफ्तार से मेंटेन करके चलाएगा वी, चाहे जिधरे जाए। तो देखो जाता क्या है, पहले ए से बी जाता है ठीक, फिर बी से सी जाता है, फिर सी से डी जाता है और फिर डी से वापस ए आ जाता है। तो तुमको बताना है कितना टाइम लगेगा ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस डी से ए आने में। नहीं, टाइम क्या पूछा, टाइम पूछा ए से बी, फिर क्या, और ऑलवेज मेंटेन करता है जब भी जा रहा है ना, तो ऑलवेज अलोंग ए बी, अलोंग बी सी, अलोंग सी डी और अलोंग डी ए ही जाता है। नहीं चमका क्या हुआ, ऑलवेज किधर जा रहा है, अलोंग ए बी, अलोंग बी सी, अलोंग सी डी और अलोंग डी ए, ये ट्रैक को छोड़ नहीं रहा है। ये तो चमत्कारी पायलट ही कर सकता है, ऐसा नहीं जैसे पाया वैसे पहुंच गया, ऐसे ऐसे बी पे पहुंचना है। ऑलवेज अलोंग ए बी, अलोंग बी सी, अलोंग सी डी और अलोंग डी ए ही मेंटेन करके जा रहा है ठीक है। तो ए से बी जाने का फिर क्या हुआ, बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए, क्या होगा यही हमको फाइंड आउट करना है। बोल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहले आ जाओ ए से बी जाने का, बोल क्लियर है, ये तो बहुत आसान है, जाना कितना है ए, और विंड किधर ब्लो कर रहा है, तो विंड का भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है ना। अरे यार कोई पर्टिकुलर एंगल में जाना पड़ेगा क्या, नहीं, दम सीधा सीधी जाएगा, और विंड का स्पीड यू है और ये विंड के ही अंदर कितना से जा रहा है, वी से, क्या विंड का सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो कितना होगा, तो बोल टी ए से बी जाने का, बोल क्या लिखेगा, जाना कितना है ए, यस, और कितना रफ्तार से जाएगा, टफ लगा क्या, कोई कष्ट वाली बात, कहाँ दिक्कत। तो ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी में जाओ, पार्ट बी में बी सी पे तक, ये क्या है बी और ये क्या है सी, किधर एरोप्लेन, विंड कैसे ब्लो कर रहा है, हा करके ऐसे ऐसे ठीक। अब ऐसे अगर जाना शुरू कर दिया तो विंड ढकेल के किसी और जगह पहुंचा देगा, तो किधर जाएगा, बी के लेफ्ट, बीसी के लेफ्ट की बीसी के राइट, बीसी के लेफ्ट ट्राई करेगा, तो देखो लेफ्ट ट्राई किया, बोल ठीक है। और ये वी, अरे यार रिलेटिव वेलोसिटी क्या वी, और विंड का स्पीड क्या, तो ये वाला हम वेक्टर यहां प्लॉट कर, यू, ये यू किसका वेलोसिटी, विंड का, ये क्या है विंड का वेलोसिटी दिया हुआ क्वेश्चन में, और ये क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन स्टील एयर। अरे यार नीचे में क्या हो, अब लेट दिस एंगल भी क्या थीटा, या नॉन एंगल है, यही देखना पड़ेगा। अब वी का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी साइन थीटा। अगर यू बड़ा हो गया किससे, वी साइन थीटा से, ट्रैक छोड़ देगा, बीसी के राइट घसक जाएगा, नहीं आया। और वी साइन थीटा बड़ा हो गया किससे, यू से, तो व्हाट विल हैपन, किधर, हाँ बीसी के लेफ्ट हो जाएगा, और बराबर हुआ दिस बराबर दिस, तो व्हाट विल हैपन, तो बोल क्या लिखेगा, बना सकता है क्या अब इस टाइप का प्रॉब्लम, टफ लग रहा है क्या, तो बोल क्या लिखेगा, तो यू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, बी साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू आ गया, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यू बाई वी। अब फिर से एक ट्रिगोनोमेट्री बना लेंगे ताकि सारा ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो नजर के सामने और जिगर के पास हो, तब लग रहा है क्या, तो देखो क्या होगा, ये कौन कौन सा है, ये यू हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बोल क्लियर है। अब देखो क्या लिखेगा, तो जाना है बी से बी सी, तो कितना जाना है, तो भैया ए जाना है, बोल क्लियर है, तो बोल क्या लिखेगा, तो बी से सी जाना है ना, चलो बी से सी, तो बोल क्या लिखेगा, जाना है ए, यस, कितना रफ्तार से मिलेगा जाने को, बी कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, यस, तो बोल क्या लिखेगा, ए बाई वी, एंड व्हाट इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई व्हाट, वी से वी कटा, बोल कितना आया, ए बाई अंडर रूट, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। अब आ जाओ कहाँ से कहाँ, सी है और ये डी, अब ऐसे
अब विंड हा करके किधर ब्लो कर रहा है ऐसे, और ये विंड ये कितना से जा रहा है, तिरछा जाना पड़ेगा क्या सीधा, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो सी से डी, तो बोल कितना है? जाना कितना है, व्हाट इज ये वाला ए, तो ए जाना है सी से डी, और कितना विंड हेल्प करेगा कि सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, अपोज करेगा, तो क्या लिखेगा तब लगा क्या, फिर कहाँ ये कौन सा है डी, वापस आना है ए पे, विंड हाँ 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 करके ऐसे कैसे ब्लो कर रहा है यू से, अब किधर ट्राई मारेगा, तो अब सीधे डी ए के लॉन्ग में जाएगा, तो विंड किधर ठेल के पहुंचा था इधर, तो किधर जाना चाहिए लेफ्ट के राइट, अरे बोलो ऐसे बोल किधर है, और विंड कैसे, अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब हमको ये मालूम नहीं है तो लेट दिस एंगल भी अल्फा, क्या ले लेते हैं अल्फा, अब देखो क्या होगा, तो अगर इसको रिजॉल्व करेगा तो क्या क्या कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका v साइन अल्फा, और इधर वाला कंपोनेंट v कॉस अल्फा, तो देखो अगर u बड़ा हो गया v साइन अल्फा से तो dA के राइट शिफ्ट कर जाएगा, अगर v साइन अल्फा बड़ा हो गया कि इससे तो इधर शिफ्ट कर जाएगा, और ये बराबर ये हो गया तो ऑलवेज अलोंग dA रहेगा, नहीं आया टाइम लग रहा क्या, कोई कष्ट वाली बात, ये सब अच्छा लेवल का सवाल में आता है, बट तुम्हारे लिए कोई टफ वाली बात नहीं। तो क्या लिखेगा, U बराबर व्हाट V साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट U by V, अरे ये तो वही आ गया, नहीं इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, थीटा इक्वल टू, ठीक रहा थीटा इक्वल टू, अच्छा जाने का टाइम क्या होगा, तो T बराबर कहां से कहां जाना, D से A, तो जाना कितना है A, रफ्तार कितना मिला इसको V cos अल्फा, ठीक है, तो A by V cos अल्फा कितना वही वाला, अरे उसके लिए भी यही ना बनेगा, तो कितना अंडर रूट V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर by V, D से V गया तो कितना आ गया A by, तो दो टाइम तो बराबर हो गया, कौन कौन टाइम, ऐसे भी सिमेट्री के चलते देखो, सिमेट्री के चलते B से C जाने का टाइम और फिर D से A जाने का टाइम बिल्कुल वही है, अरे यार तो आया भी हम लोग का, तब लगा क्या, अब टोटल टाइम क्या होगा, तो देखो T बराबर A से B जाने का टाइम, फिर बोल B से C जाने का टाइम, फिर बोल C से D, फिर D टू A, ऐसे कहाँ दिक्कत, तो T कितना हो गया A से B फटाक से A बाई B प्लस C, सबसे यही वाला आ रहा है, नहीं सबसे लीस्ट टाइम किसमें हुआ ए वाला, और सबसे मैक्सिमम सी टू, ए से बी जाने में बहुत आसानी से चला गया और सी से डी में प्राण निकल जाएगा उसका क्योंकि विंड जो है काफी उसको, बाकी तिरछा तिरछा में तो और दिक्कत ही होता है, प्लेन को संभालना बड़ा मुश्किल है, नहीं बट चमत्कारी पायलट सब कुछ कर देगा ये, ठीक है बाहुबली टाइप का, बी से सी देखो, बी से सी, बी से सी, बी से सी, ए बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर बोल सी से डी, ए बाई वी माइनस यू, फिर ए बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बोल क्लियर है, कहाँ दिक्कत, कोई कैसे वाली बात, तब लगा क्या, अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, देखो ये क्या होगा ए और ये, तो टू ए बाई ऐसे प्लस ये वाला क्या होगा 2a by v square minus u square, कहाँ देखा, अब क्या कॉमन आएगा 2a कॉमन, एक और कॉमन ले सकता है क्या ऐसे, तो क्या बचेगा, या v square minus u square भी पूरा कॉमन ले लो, v square minus u square ही पूरा कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा 1, और यहाँ अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसे क्या yes, इसमें क्या कॉमन आ गया, डायमेंशनली करेक्ट है ना yes. Yes. ये तो यहाँ एक टर्म छूट रहा है ना, वी माइनस यू वी प्लस यू, एक टर्म छूट रहा है, एलसीएम जो लेगा तो ये तो ठीक है, अब माइनस यू वाला पार्ट कट जाएगा, वी वाला पार्ट बच जाएगा ना yes. अरे यार yes, वी वाला पार्ट एक बचेगा ना yes.
तो ये भी यहाँ रहेगा, ठीक है, ये वाला भी यहाँ रहेगा, बोल क्लियर है? अरे यार तो यही हमारा क्या आया फाइनली आंसर, तक लग रहा क्या? 2a v स्क्वायर माइनस v बाई, बोल क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलो इसमें जो v दिया हुआ ना दोनों केस में, v है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, इसका मतलब क्या होता है ना कि देखो जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो मोटरसाइकिल या कार जब चलाते हैं तो उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है ना, स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर। बट हम जब एरोप्लेन मतलब अति चला रहे हैं, सपोज स्टीम वाला जो बोट होता है ना, स्टीम वाला बोट जो मोटर लगा हुआ रहता है, जनरेटर लगा रहता है उसमें, मान लो कि हम नदी में चल रहे, बहता हुआ नदी में, बहता हुआ पानी में, तो पानी बह रहा है और उसी में हम क्या चला रहे हैं? वही वाला मोटर बोट जो इंजन लगा हुआ, उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ। अब बहता हुआ पानी जिधर भी जा रहा हो वो क्या बताएगा? स्पीडोमीटर किसके रिस्पेक्ट में बताएगा? पानी के रिस्पेक्ट में बताएगा, नहीं चमका क्या हुआ? ग्राउंड कुछ भी हो पानी के रिस्पेक्ट में बताएगा कितना है। तो वो जो चलाना है ना मोटर बोट या जो भी है वो कांस्टेंट स्पीड से चलाना है, चाहे जितना भी तूफान वाला भी पानी उसमें आ जाए या धीरे धीरे चले या कोई भी डायरेक्शन में, वो हमेशा भी बताना है। तो इसके लिए मतलब कि तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसा तुमको मोटर पावरफुल देना होगा कि अगर पूरा तूफान वाला भी उसमें पानी बह रहा है तो भी वो उतना ही बताना चाहिए, उतना मेंटेन करके चलना है, ये पॉसिबल नहीं है इतना इस तरह का ही, ठीक है? ऐसे क्या होता है हमको हेल्प मिलता है तो वो जो तो वी है क्या है उसी तरह देखो क्या है, तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताएगा कि पानी के अंदर का बताएगा, पानी के अंदर का बताएगा स्पीडोमीटर, ठीक उसी तरह से एरोप्लेन, एरोप्लेन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताएगा विंड के अंदर, विंड के अंदर बताएगा। तो एवरी टाइम वही दिया था, वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, या एज्यूमिंग विंड एज ए रेस्ट या एज्यूमिंग वाटर एज ए रेस्ट, इसलिए इन स्टिल वाटर या इन स्टिल विंड कहा जाता है। बोल क्लियर है? ग्राउंड से उसको लेना देना नहीं है, ठीक है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको हेल्प ज्यादा मिलेगा। देखो जैसे यहां से यहां गया तो विंड के अंदर गया भी वेलोसिटी से और विंड भी उधर ही गया, बोल क्लियर है? कन्वेयर बेल्ट वाला बेल्ट भी उधर जा रहा है और बेल्ट के ऊपर ये जा रहा भी वेलोसिटी से, कन्वेयर बेल्ट इज गोइंग इधर और बेल्टे के ऊपर गोइंग वी वेलोसिटी से इधर। तो नेट ग्राउंड का फायदा क्या मिलेगा? एक तो बेल्ट के ऊपर चला, उसके बाद बेल्ट भी घसका तो वी प्लस यू हो गया, नहीं आया, चमका है? अब ग्राउंड के ऊपर ज्यादा फायदा मिलेगा, यहां पर क्या बेल्ट जा रहा है इधर और कन्वेयर बेल्ट पे आदमी ऐसे जा रहा है, तो जब भी आदमी जा रहा है बेल्ट के ऊपर तो वी वेलोसिटी से मेंटेन करके जा रहा है, ठीक है? तो अब इसको क्या होगा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो क्या होगा, ये बेल्ट के ऊपर इधर जा रहा है बेल्ट भी इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट जो फायदा हुआ ग्राउंड में या नुकसान हुआ तो वी माइनस यू का आया। तो ग्राउंड वाला चीज अलग है और बेल्ट के ऊपर चलने वाला बात अलग है। मूविंग बेल्ट, मूविंग विंड, मूविंग वाटर, मूविंग एयर, ये सब सेम चीज, और उसके अंदर एरोप्लेन का मूवमेंट, आदमी के ऊपर चलने का, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चलना, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये सब एक ही जाति का आता है, सब वही चीज हो रहा है, नहीं चमका क्या हुआ? बोल क्लियर है?